रेगुलेटरी प्रोटीन दो तरह के होते हैं, एक कहलाती है ट्रोपोमायोसिन और दूसरी ट्रोपोनिन। यहां देखिए ये वाली रीजन क्या है, एक्टिन प्रोटीन, जी एक्टिन, और ये वाली जो है स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन जो होते हैं वो एक्टिन फिलामेंट के जो ग्रूव होते हैं उसमें फिट रहते हैं। ये हम जानते हैं कि एफ एक्टिन, दो एफ एक्टिन एक दूसरे के अराउंड में रैप्ड होते हैं, मतलब ये जाएगी ऐसे तो ये आएगी ऐसे, फिर ये ऐसे, तो इस तरीके से इस बीच में एक गैप बन जाती है ग्रुप, और इस ग्रुप में ये ट्रोपोमायोसिन फिट होते हैं। ये ट्रोपोमायोसिन 7 एक्टिन सब यूनिट्स को कवर करती है या से एसोसिएटेड होती है। ये रॉड सेप्ट है, इलोंगेटेड, इसकी लेंथ करीब 40 नैनोमीटर होती है। ट्रोपोनिन ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, यहां देखिए ये जो प्रोटीन है ये ट्रोपोनिन प्रोटीन है, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। इसके तीन सब यूनिट होते हैं, एक सब यूनिट को कहते हैं सी सब यूनिट, दूसरे को बोलते हैं आई सब यूनिट, और तीसरा को बोलते हैं टी सब यूनिट। इस सी सब यूनिट जो है ये कैल्शियम आयन से बाइंड करने का काम करती है, इसलिए यहां पे हमने लिखा कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट। इसको याद रखने के लिए सी और सी को आप याद रखें, सी 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 सब यूनिट कैल्शियम से बाइंड करेगी। ये आई सब यूनिट जो है ये एस वन सब यूनिट मतलब मायोसिन हेड को एक्टिन से एसोसिएशन होने में के प्रोसेस को रोकती है। ये मतलब ये जो आई है आई सब यूनिट ट्रोपोनिन का, इसी के चलते मायोसिन हेड एक्टिन से एसोसिएट नहीं हो पाती है। और तीसरा है टी सब यूनिट, ये टी सब यूनिट होल ट्रोपोनिन प्रोटीन को मायोसिन से एसोसिएट होने का काम करती है। ये टी ट्रोपोनिन, यहां देखिए लिंकिंग ऑफ होल ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स टू ट्रोपोमायोसिन, मतलब ये टी सब यूनिट ही रेस्पॉन्सिबल है ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल को ट्रोपोमायोसिन से एसोसिएशन होने के लिए, जुटने के लिए। ये ट्रोपोनिन एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों से जुटे रहते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में पहले हम देखते हैं टाइटिन, ये 27,000 अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। अगर हम देखें इसके एग्जैक्ट फिगर को तो 26,926 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। यहां देखिए ये लार्जेस्ट प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी का, लार्जेस्ट प्रोटीन टाइटिन। यहां देखिए ये है, ये वाले जो रीजन है ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रही है, ये कहलाती है टाइटिन, ये है टाइटिन प्रोटीन। बीच में ये एच जोन है, एच जोन के बीच में एम लाइन, ये वाली लाइन क्या हो गई एम लाइन। ये टाइटिन प्रोटीन एक तरफ जी डिस्क से जुड़ी हुई है यहां, और दूसरी तरफ ये एम लाइन से जुड़ी हुई है। तो टाइटिन का क्या काम हुआ कि ये एम लाइन को जी डिस्क से जोड़ने का काम करती है सार्कोमियर में। यहां देखिए चूंकि ये स्प्रिंग लाइक है तो ये कंप्रेस भी हो सकती है और फैल भी सकती है, इसीलिए ये एक्सटेंसिबिलिटी प्रदान करती है मायोफाइब्रिल्स को।
क्योंकि यहां ये स्प्रिंग लाइक है, तो ये कॉम्प्रेक्स भी कर जाएगी। ऐसे समझिए, ये ऐसे हो गई स्प्रिंग लाइक, तो ये क्या होगी, अगर हम ये हुआ तो दोनों साइड से अगर इसको हम कंप्रेस करें तो ये छोटी भी हो जाएगी इस तरीके से, तो मसल तो छोटा हो जाएगा ना लंबाई में। ये करती है और इलास्टिसिटी भी ये प्रदान करती है। दूसरी है अल्फा एक्टिनिन, ये जी डिस्क की प्रोटीन है, ये जी डिस्क की प्रोटीन है अल्फा एक्टिनिन। इसका काम है एक्टिन मॉलिक्यूल को, एक्टिन मॉलिक्यूल और टाइटिन मॉलिक्यूल, ये देखिए ये एक्टिन है ये टाइटिन, दोनों से जुटती है ये, यहां पे होगी जी डिस्क। ये जी डिस्क में अल्फा एक्टिन के अलावे भी फाइमेंटीन होती है, डेस्मिन होती है, जिसको हमने पढ़ा है अभी। तीसरी प्रोटीन मायोमाइसिन, मायोमेसिन ME, नाउ नेब्यूलिन, ये थिन फिलामेंट के, ये थिन फिलामेंट है, ये यहां पे ओवरलैप करती है नेब्यूलिन प्रोटीन। इसका काम है थिन फिलामेंट के लेंथ को रेगुलेट करना, रैप्स अराउंड एंटायर लेंथ ऑफ थिन फिलामेंट, और ये थिन फिलामेंट को जी डिस्क से अटैच होने में हेल्प करती है। डिस्ट्रोफिन, यहां देखिए ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, ये सार्कोलीमा, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, यहां थिन फिलामेंट, यहां इधर देखिए थिन फिलामेंट, ये सार्कोलीमा, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। डिस्ट्रोफिन का काम है, डिस्ट्रोफिन का कि थिन फिलामेंट को इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन से जोड़ना, तो ये लिंक्स थिन फिलामेंट्स टू इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और ये सार्कोमियर में जो टेंशन उत्पन्न होती है उसको टेंडन्स को ट्रांसमिट करना, ये भी काम है डिस्ट्रोफिन का। आइए अब हम अपने स्टडी को समराइज करते हैं। यहां देखिए ये मायोसिन मॉलिक्यूल, मायोसिन प्रोटीन, जो कि 6 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, 2 अल्फा हेलिसेज, ये एक डीप एक लाइट, इसकी डायमीटर 2 नैनोमीटर। अल्फा, ये मायोसिन के 2 एंड्स, एक को कहते हैं सी टर्मिनस कार्बोक्सी टर्मिनस, दूसरे को बोलते हैं ए टर्मिनस अमीनो टर्मिनस। होल मायोसिन प्रोटीन के 2 पार्ट, एक पार्ट कहलाई टेल रीजन, इसकी लंबाई 150 नैनोमीटर, दूसरी कहलाई हेड, ये 17 अर्थात 17 नैनोमीटर की। प्रत्येक अल्फा चेन से 2 लाइट चेन जुटी होती है, यहां और यहां, तो इससे 2 और 2 इससे, तो 4 लाइट चेन्स, मतलब 6 सब यूनिट से मिलके बने होते हैं मायोसिन। हम एक्टिन को देखते हैं, ये एक्टिन जी एक्टिन से बने होते हैं, ये जी ग्लोबुलर एक्टिन, जी एक्टिन पॉलीमराइज होकर एफ एक्टिन का निर्माण करती है, और 2 एफ एक्टिन एक दूसरे के ऑन में ट्विस्ट कर जाते हैं इस तरीके से, और ये ट्विस्ट होकर ये इधर कह रहे हैं हिलिकल स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, इसलिए कहलाती है थिन फिलामेंट। इसका प्लस वाला एंड कैप जेड प्रोटीन द्वारा स्टेबलाइज्ड होता है, जबकि माइनस वाला एंड टीपीएम ट्रोपोमोड्यूलिन प्रोटीन द्वारा स्टेबलाइज्ड होता है। ये कैपजी रीजन थिन फिलामेंट को जी डिस्क से जोड़ने का काम करती है।
यहाँ देखिए टोपो रेगुलेटरी प्रोटीन में ट्रोपोमायोसिन, ये यहाँ ये बीच वाली ग्रुप है, ये ट्रोपोमायोसिन जो प्रोटीन है ये रॉड लाइक प्रोटीन होती है और ये इस ग्रुप में फिट होती है, ये ग्रुप इस ग्रुप में जो ब्लू कलर वाला ये देख रहे हैं इस ग्रुप में ये फिट कर जाती है ट्रोपोमायोसिन। और ये 7 जी एक्टिन से एसोसिएटेड होते हैं, इसकी लंबाई 40 नैनोमीटर। ये ट्रोपोनिन, ये देखिए इसके 3 पार्ट आई सी और टी, 2 ट्रोपोनिन के बीच की दूरी लगभग 40 नैनोमीटर होती है। ये रेगुलेटरी प्रोटीन हम यहां देखें इस स्ट्रक्चर में, तो ये यहां पे ये होती है, एक होती है नेब्यूलिन प्रोटीन जो कि थिन फिलामेंट के इधर साइड होती है। ये नेब्यूलिन प्रोटीन का काम है इस थिन फिलामेंट को जिडिस से जोड़ना यहां पे, और इसके लेंथ को भी रेगुलेट करती है। ये देखिए टाइटिन प्रोटीन जो कि स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी देती है, प्रदान करती है सार्कोमियर को। ये एम लाइन है, ये एच जोन को के सेंटर पे पाई जाती है। ये मेरोमेसिन सी प्रोटीन और एम प्रोटीन पैरामायोसिन इन सब प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इनका इनसे टाइटिन प्रोटीन और थिक फिलामेंट एक साइड से, दूसरे साइड से भी टाइटिन और थिक फिलामेंट एम लाइन से जुटे होते हैं। दूसरा देखिए डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोफिन का काम है थिन फिलामेंट को, ये कहलाती है सार्कोलीमा, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो थिन फिलामेंट को इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन से जोड़ने का काम डिस्ट्रोफिन करती है, साथ ही ये सार्कोमियर के टेंशन को टेंडन्स को भी प्रदान करती है। थैंक यू। अगर आप